हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जैन, नमो कार गेमिंग वर्ल्ड चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, गेमिंग टॉक्स की जिस सीरीज को हम काफी पहले बंद कर चुके थे या काफी टाइम से हम बना ही नहीं रहे थे, तो आज आपके लिए मैं गेमिंग न्यूज का बहुत ही धमाकेदार धुएंदार एपिसोड लेकर आया हूं। तो जिसमें सबसे पहली जो न्यूज आती है वो आती है गॉड ऑफ वॉर से रिलेटेड, और गॉड ऑफ वॉर का एक एक्सक्लूसिव आपको डीएलसी फ्री मिल रहा है, जो कि पहले सिर्फ ओनली डिलक्स एडिशन में ही अवेलेबल था। तो इसे आप जल्दी से जाकर एक्सेस कर सकते हैं। जिन्होंने भी स्टैंडर्ड एडिशन फिजिकल या ऑनलाइन परचेस किया था, तो उसकी कुछ शील्ड की आपको स्किन वगैरह उसमें देखने को मिल जाएंगी। तो आप जल्दी से जाइए, अपना प्लेस्टेशन स्टोर ओपन कीजिए और वहां पर उस एक्स्ट्रा डीएलसी को जाकर डाउनलोड कर लीजिए। सेकंड पॉइंट आता है दोस्तों, थोड़ा सा हमारे लिए सैड न्यूज है। जो भी लोग वॉच डॉग्स सीरीज के फैन है और जो लीजियन का बहुत एक्साइटमेंट से वेट कर रहे थे, तो अब उन लोगों को वेट करना होगा 2021 तक या 2020 के लास्ट तक, क्योंकि 2020 में जो मार्च में गेम रिलीज होनी थी वॉच डॉग्स लीजियन, पहले उसे बताया कि मई में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन अब जाकर उसकी रिलीज डेट ही आपको विकिपीडिया पर नजर नहीं आएगी। तो अभी 2020 में ही डिक्लेयर होगा कि वो गेम फाइनली रिलीज कब होगी। उसके बाद दोस्तों, अब मैं थर्ड पॉइंट पे चलूं तो सीडी प्रोजेक्ट रेड, जो कि साइबर पंक के डेवलपर हैं और उनकी ये गेम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, जो कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने सोच भी लिया है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि साइबरपंक 2077 से जो टीम है उनका ऑलमोस्ट काम खत्म हो गया और सिर्फ वो गेम अब टेस्टिंग मोड पे चल रही है, क्योंकि इस साल अप्रैल में रिलीज होनी है। तो आप आइडिया लगा ही सकते हैं कि गेम का सारा ही काम फिनिश हो चुका है, मतलब पोस्ट प्रोडक्शन वर्क भी, और अब वो गेम सिर्फ जो गेमर्स होते हैं जो वो अपॉइंट करते हैं, वो सिर्फ उस गेम को टेस्ट करके देख रहे हैं कि कहीं गेम में बग्स वगैरह तो नहीं है। अब उनकी जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, यानी कि सीडी प्रोजेक्ट रेड अब क्या लेकर आएगा साइबरपंक के बाद, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वीचर की नई सीरीज आपको देखने को मिलेगी। तो जो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि वीचर 3 के बाद हमें नई गेम कौन सी देखने को मिलेगी, तो भाई वीचर 4 के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, और उस पर बहुत ही जल्द हम एक नया वीडियो लेकर आएंगे जिसमें उसकी डिटेलिंग से रिलेटेड बातें करेंगे कि उसका स्टोरी, प्लॉट, गेम प्ले, ग्राफिक्स वगैरह क्या आपको देखने को मिलेंगे, किस कंसोल पर रिलीज होगा और इसकी रिलीज डेट क्या होगी। नेक्स्ट न्यूज आ रही है पबजी मोबाइल से रिलेटेड, जहां पर हमें पता चलता है कि उसमें कुछ और नए मोड्स आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही आपको ड्रोन का फीचर्स भी यूज करने को जल्द ही मिल जाएगा, क्योंकि जो उसका चाइनीज वर्जन है उसके अंदर ड्रोन एंड जो टीडीएम मैच है और कैप्चर मोड है, ये दोनों मोड्स को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो अब आपको यहाँ पर भी पबजी मोबाइल में, जैसे आप कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में खेलते थे कैप्चर मोड, जहां पर आपको एक जगह को कैप्चर करना होता है, ये बहुत लोगों ने खेला होगा और मुझे नहीं लगता जो भी कोड सीरीज के फैन है उन्हें इस चीज के बारे में नहीं पता हो। तो कहीं ना कहीं पबजी इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है कि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के इतने कम टाइम में इतने ज्यादा उसके जो मेंबर्स हैं उन्होंने उस गेम को डाउनलोड किया या उसके एक्टिव यूजर्स बन गए, तो उसके पीछे क्या रीजन है। तो कहीं ना कहीं पबजी भी अपनी डिमांड को कम नहीं होने देना चाहता, तो इसलिए उसे जो जो अपने कॉम्पिटिटर में अच्छी अच्छी चीजें लगेंगी वो अपने में भी इम्प्लीमेंट करता जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, मैं बात करूंगा कि जो GT6 गेम है जिसके बारे में सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार है और सभी लोग जानना चाहते हैं उसके बारे में बहुत ज्यादा से ज्यादा, तो उन लोगों के लिए गुड न्यूज है कि GT6 पर एक हमारा पर्टिकुलर वीडियो आने वाला है जिसके अंदर आपको बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगी। लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि आपने अगर GTA San Andreas खेली हो तो आप तैयार हो जाइए GT6 में भी उसी कैरेक्टर के साथ खेलने के लिए, और बाकी GT6 पर पूरा वीडियो देखने के लिए कल सुबह 10 बजे का वेट कीजिए, आपको वो पूरा वीडियो देखने को मिल जाएगा। लास्ट न्यूज की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो वो आ रही है माइनक्राफ्ट से रिलेटेड। माइनक्राफ्ट बजी 20 के नाम से एक नया ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च हुआ है प्लेस्टेशन के चैनल पर, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। माइनक्राफ्ट सीरीज में देख रहा हूं कि काफी पॉपुलर होती जा रही है काफी कुछ टाइम से, और हमें भी लोग बोलते हैं कि सर आपको भी माइनक्राफ्ट लाइव स्ट्रीम करनी चाहिए, तो हम भी प्लान करेंगे। तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि आप में से माइनक्राफ्ट कौन कौन खेलता है और जो ये नया मोड आया बजी 20 इसके लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मैं आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।